हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे ऑर्बिट्स के बारे में, ठीक है। सो इसके जो ऑर्बिट्स जो होते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, या फिर उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं। ओके, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, GTO, ठीक है, और पोलर ऑर्बिट होता है, और पोलर कैंटरी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, ठीक है, जिसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं, SSPO, ठीक है। इन सब के बारे में, एक एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कि अर्थ से 160 किलोमीटर से ज़्यादा और 101,000 किलोमीटर इस एरिया के बीच का एरिया जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है। वहाँ पे जो सैटेलाइट्स जो ट्रेवल करती हैं, ठीक है, उनकी स्पीड नॉर्मली 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब जो अर्थ जो रोटेट करती है, ठीक है, पूरा जो राउंड सर्कल अर्थ करती है, 24 आवर्स लेती है, और ये सैटेलाइट्स अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट में, ठीक है, 90 मिनट में पूरी अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर देती है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं। और ये सब सैटेलाइट्स जो होती है, बेसिकली इनको रिमोट सेंसिंग, मिलिट्री पर्पस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है उसकी अच्छे से अच्छी क्वालिटी की इमेज कब आएगी, तब वो अर्थ के पास में होगा तभी, ठीक है। इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ इमेजिंग के लिए या रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी से ले सकें। और जो लो ये लो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ठीक है, वो इसी ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। और जो इंडिया का जो स्पेस स्टेशन जो है, जो इसरो के चीफ हैं के सिवन, उनके उन्होंने बोला है कि 2030 तक, ठीक है, इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है वो भी होगा। ओके, अब बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोल लेते हैं, या फिर इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है, GEO या FGSO, ठीक है। जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है ये इतनी हाइट पे होता है, ठीक है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में 90 मिनट लग रहे थे, ठीक है, सर्किल करने में किसी भी सैटेलाइट को और अर्थ के पूरे चारों तरफ घूमने में। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इतनी दूर होता है कि उसको 24 आवर्स लगे उस सैटेलाइट्स को अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में, जिससे कि जिस पोजीशन पे वो है उसी पोजीशन पे, अगर हम अर्थ पे हैं तो हमें उसी पोजीशन पे वो दिखाई दे, मतलब एक तरह से स्टेशनरी, ठीक है। जैसे इसके नाम में भी है जियो स्टेशनरी, तो जियो मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट स्टेशनरी पोजीशन पे हो, ओके, या फिर बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड पे हो। तो इस टाइप की सैटेलाइट्स जो होती हैं वो होती हैं, जो इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जाती है। जैसे कि जैसे मान लो आप ये TV वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए जो सैटेलाइट होती है वो सब बेसिकली जियो सिंक स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस रेस्पेक्ट में एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे मिलेंगी, ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो। जो एंटीनास वगैरह जो होते हैं उनको एक जगह ही सेट कर दिया जाता है, बार बार हिलाने की जरूरत ना पड़े, ओके। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही लॉन्च की जाती है, ओके। अब बात करते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की, ठीक है, जिसको कि GTO भी बोलते हैं, या फिर इसको होमेन ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली है तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, बट इसका जो मोशन है, ठीक है, उसका सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, और इसका एलिप्टिकल मोशन है, ठीक है, ये एलिप्टिकली तरीके से मूव करती है इसमें सैटेलाइट्स। मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का ही ये हाई थ्रस्ट केमिकल इंजन यूज करके उसी ऑर्बिट में यूज किया जाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो इसके लिए स्टैंडर्ड पीरियड है 10 10.5 आवर्स, ओके। अब बात करते हैं पोलर ऑर्बिट्स की, ठीक है। पोलर ऑर्बिट जो है वो अर्थ के पोलर रीजन, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन दोनों पोलर रीजन पे रोटेट करती है अर्थ ऐसे, ठीक है, इस टाइप से इसका रोटेशन होता है। ये नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, ये पोलर सैटेलाइट इस टाइप से लॉन्च करते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली इन सैटेलाइट्स को लॉन्च इसलिए किया जाता है कि ये सैटेलाइट्स जो है, जो अर्थ का जो
जैसे ये इस टाइप से रोटेट करेगी और अर्थ इस टाइप से रोटेट करती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो पोजीशन पे जो है, जिस पोजीशन पे आज ये सैटेलाइट इस पोजीशन पे आई है, ठीक है, तो और अर्थ 24 आवर्स में पूरा रोटेट करते, तो नेक्स्ट टाइम जब ये सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में जो लॉन्च की गई ये आएगी, तो से उसी टाइम पे उसी पोजीशन पे आएगी, ठीक है। सो बेसिकली जो वेदर कंडीशंस को जो जांच करने के लिए जो सैटेलाइट्स जो लॉन्च की जाती है वो पोलर ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है, क्योंकि सेम जगह पे सेम टाइम पे सैटेलाइट्स आ रही है डेली, ठीक है, इस टाइप से ये सेम जगह है, ठीक है, तो इस जगह पे सेम सैटेलाइट, तो इस वजह से इस सेम जगह का वेदर बताया जा सकता है, ठीक है। और जो मैपिंग वगैरह जो होती है उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ इस टाइप से रोटेट करेगी और ये इस टाइप से रोटेट करेगी, तो जो अर्थ का जो पूरा इमेज है डिटेल में, एकदम डिटेल में पूरा इस ऑर्बिट से लिया जा सकता है। इस वजह से काफ़ी सारे सैटेलाइट्स को इसमें लॉन्च किया जाता है, ओके। और इसका एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका एल्टीट्यूड 800 किलोमीटर्स के अप्रोक्सीमेटली होता है, ओके। मतलब कि अगर, और रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 200 to 1000 किलोमीटर तक की रेंज होती है इस ऑर्बिट की, ओके। अब बात करते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, या फिर जिसको हेलियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है, या सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसके एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका एल्टीट्यूड 600 to 800 किलोमीटर की रेंज में होता है, ठीक है। और जैसे कि इसका इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती हैं वो, उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है सन के रेस्पेक्ट में। तो मतलब जो सोलर स्टडी जो है, ठीक है, सन मतलब ऐसे कि जो सन, वो सैटेलाइट जब मूव करें तो सन के रेस्पेक्ट में वो एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे हो, ठीक है। तो उस वजह से उनको सोलर स्टडी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। और जो वेदर कंडीशन के लिए, जैसे मैं अभी बता रहा था, पोलर सैटेलाइट जो नॉर्मली होती है, ये पोलर सैटेलाइट का ही एक सेक्शन है, ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ओके, जिसको कि सोलर स्टडी, वेदर कंडीशन, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह के लिए और या अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये मतलब जैसे कि मैं बता ही रहा था कि सनलाइट के साथ में इनका कांस्टेंट एंगल होता है, जिस वजह से सन के रेस्पेक्ट में ये सैटेलाइट एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे होती हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।